इट इज योर क्लास. ओके 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 सर. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. आई एम रमिंदर शर्मा, ट्रेनिंग ऑफिसर NSTI पानीपत. जो आज का हमारा जो लेक्चर है ये ड्राइंग और डिहाइड्रेशन के ऊपर है. ड्राइंग, जैसे कि हमने पढ़ा है कि फूड प्रिजर्वेशन के लिए ड्राइंग इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ द फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन का ये बहुत ओल्डेस्ट मेथड है ड्राइंग जो है. थ्रू आउट द हिस्ट्री द सन विंड एंड द स्मोकी फायर वर यूज टू रिमूव वाटर फ्रॉम फ्रूट्स मीट ग्रेन एंड हर्ब्स. ये जैसे कि हमने देखा गया है कि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग सनलाइट और विंड एनर्जी को या इनको विंड को मॉइस्चर मूव करने के लिए यूज किया जाता था. तो डेफिनेशंस इसके अंदर में ये है, फूड डिहाइड्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर फ्रॉम फ्रूट बाय सर्कुलेटिंग हॉट एयर थ्रू इट विच प्रोहिबिट द ग्रोथ ऑफ द एंजाइम्स एंड द बैक्टीरिया. ये डिहाइड्रेशन ड्राइंग इज द मेन in drying which we are using the main principle is that we are generally removing the moisture of the fruits by circulating hot air. Drying is the applications of the heat under controlled condition to remove water by evaporation. Evaporation और इसके बाद में ये जो ड्राइंग है, ड्राइंग का ये एक जो मेथड है हमारा, ये मेन मकसद इसका है, फूड प्रिजर्वेशन के लिए हम यूज करते हैं मेनली. फूड के अंदर में जो भी हमारा ये मॉइस्चर रहता है इसको रिमूव करने के लिए हम ड्राइंग और डिहाइड्रेशन करते हैं. जो ड्राइंग जो हमारा रहता है, ड्राइंग के लिए हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कि हमारा ये एयर रहती है, हमारा सन लाइट हो गया, हम इसके द्वारा करते हैं. और डिहाइड्रेशन के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी ये ड्रायर्स होते हैं, ये जो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ हीट एनर्जी जो हम यूज करते हैं इसके अंदर में डिहाइड्रेशन के लिए. तो यही एक ये मेथड है, प्रिजर्वेशन का मेथड है ड्राइंग और डिहाइड्रेशन. और इसके अंदर में जो हम प्रिंसिपल यूज करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर, प्रिंसिपल ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर हम इसका जो है हम इसको यूज करते हैं इस प्रिंसिपल को. और इसके अंदर में जो बेसिक ऑफ ड्राइंग ये है, द गोल ऑफ द डिहाइड्रेशन ऑफ ड्राइंग इज टू रिमूव वाटर विदाउट डैमेजिंग क्वालिटी. हमारा जो मेन इसके अंदर में जो गोल रहता है कि हम ड्राइंग और डिहाइड्रेशन के द्वारा वाटर को रिमूव करते हैं बिना फूड की क्वालिटी को डैमेज किए हुए. और ड्राइंग अंडर नेचुरल कंडीशन, जो ड्राइंग हम करते हैं उसके लिए हम नेचुरल कंडीशंस का यूज करते हैं, जैसे कि हमारा सोलर ड्राइंग होगी, सन ड्राइंग होगी, और कंट्रोल्ड ड्राइंग यूजिंग एज ए ओवन और डिहाइड्रेटर. जो हमारी डिहाइड्रेशन रहती है उसके अंदर में हम क्या करते हैं, कंट्रोल्ड जो ड्राइंग वो करते हैं. इसके लिए हम जो यूज करते हैं ओवन्स और डिहाइड्रेटर का यूज किया जाता है. Drying uses simple equipment and reduce the size and weight of food. जो drying का हमारा main मकसद ये रहता है कि इससे हम simple equipment use करते हैं और इससे जो the weight and size of the food, हम इसको जो weight और size होता है food का उसको reduce करते हैं. But इसके drying जब हम करते हैं it takes a long time. बहुत ज़्यादा लंबे समय तक drying करनी पड़ती है. और इससे क्या होता है is जो ये कुछ जो हमारे फूड्स होते हैं उनके लिए ये सुटेबल नहीं होती. जैसे कि हमारे ये आगे ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन फ्रूट्स आर लेस कॉस्टली टू प्रोड्यूस. और आगे जो रहता है कि ड्राइंग इज मोस्टली यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेशन. जो ड्राइंग है इसको मोस्ट जो ज्यादातर इसको फूड प्रिजर्वेशन के लिए प्रयोग में लाया जाता है. Principle of drying and dehydration. The basic principle is that microorganisms such as bacteria, fungi, mold required water for their growth and multiplication. जैसे कि हमें पता है कि जैसे हमने इसके अंदर में हमारा फूड के अंदर में जो वाटर रहता है, जो microorganism रहते हैं बैक्टीरिया, yeast, mold, इनको ग्रो करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और मल्टीप्लाईकेशन होने के लिए भी इसको वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है. विच कॉजेज फूड स्पॉयलेज, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही हमारा जो फूड होता है वो खराब होता है. सिंस वाटर एज ए पोटेंशियल व्हीकल फॉर पैथोजेंस इन फूड इन द फूड चेन एंड इट हैज टू बी रिमूव टू इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ द फूड प्रोडक्ट. इसीलिए जो हम वाटर को हम रिमूव करते हैं, वाटर को रिमूव करने से हमारी जो शेल्फ लाइफ होती है प्रोडक्ट की इंक्रीज होती है. इसी को ही हम प्रिजर्वेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं, इसे मैटर ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन इज द
is an ideal process applicable to all food materials such as fruit, vegetable, cereals, drying or dehydration. So, sabhi fruits, vegetable, cereals, pulses, milk, meat, fish, इनके अंदर में यूज किया जाता है इसमें से मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए, टू रिमूव द मॉइस्चर कंटेंट. द मॉइस्चर इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन एग्रीकल्चर एंड फूड मटेरियल अफेक्ट द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट. जो मॉइस्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है एग्रीकल्चर के अंदर में और हमारे फूड मटेरियल के अंदर में, जो कि उसकी शेल्फ लाइफ के, प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ के ऊपर इफेक्ट डालता है. Which due to microbial spoilage, इससे जो इफेक्ट करता है इससे, जैसे कि इसके अंदर में microbial activity के द्वारा, oxidation के द्वारा, physical structure of the food, जो physical structure के ऊपर भी इसके द्वारा जो है इफेक्ट पड़ता है. Then we are discussing about the difference in between drying and dehydration. जैसे हमने discuss किया है कि drying, दोनों का purpose same है, दोनों में ही हम moisture को remove करते हैं. Drying जो है ये एक natural process है. Drying natural process के द्वारा हम, जैसे कि हम सूरज की रोशनी में सुखाते हैं, हवा के द्वारा सुखाते हैं, ये इसको food को सुखाने के लिए जो drying का हम use करते हैं. Drying is a natural process. Dehydration is a artificial process. डिहाइड्रेशन में हम आर्टिफिशियल जो प्रोसेस है ये, इसमें हम जो हमारी ड्रायर्स वगैरह का हम प्रयोग करते हैं, इट डज नॉट हैव एनी कंट्रोल्ड ओवर क्लाइमेटिक कंडीशन. ड्राइंग के अंदर में हम क्लाइमेटिक जो कंडीशन होती है उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट डिहाइड्रेशन के अंदर में हम जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि हम उसके अंदर में जो हमारा टेम्परेचर रहता है, हमारा जो उसके अंदर में हमारी एयर का फ्लो रहता है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं. ड्राइड प्रोडक्ट डज नॉट हैव ए गुड क्वालिटी. जो ड्राइंग के द्वारा प्रोडक्ट ड्राई किया जाता है उसकी क्वालिटी जो है ज्यादा अच्छी नहीं होती, जो कि हमारा डिहाइड्रेशन के द्वारा हम प्रोडक्ट को वो करते हैं, ड्राई करते हैं, उसकी जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी क्वालिटी का ड्राइड प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है डिहाइड्रेशन के द्वारा. जो ड्राइंग के अंदर में स्पेस रिक्वायरमेंट, मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर ड्राइंग. ड्राइंग के लिए हमें स्पेस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, बट डिहाइड्रेशन के अंदर में क्या रहता है, लेस स्पेस रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि उसको हम एक चैम्बर के अंदर में ही करते हैं जो डिहाइड्रेशन है, क्योंकि ड्रायर का एक चैम्बर रहता है, चैम्बर के अंदर में ही ये ड्राइंग जो हम करते हैं. तो कंटेमिनेशन जो होते हैं ड्राइंग के अंदर में, जो मेन कंटेमिनेशन जो उसके अंदर में होते हैं, डस्ट के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा, वर्ड के द्वारा, इन सब के द्वारा उसके अंदर में कंटेमिनेशन, क्योंकि वो ओपन खुले में रहता है, जो भी हम ड्राइंग करते हैं सूरज की रोशनी में, इंसेक्ट्स भी उसके अंदर जा सकते हैं, डस्ट भी जा सकती है, बर्ड्स भी जा सकते हैं, ये इसके अंदर में मेजर प्रॉब्लम रहती है. जो हमारा डिहाइड्रेशन के अंदर में हमारा क्या रहता है कि हम सैनिटरी जो हमारी कंडीशंस हैं उनको हम कंट्रोल्ड करके रखते हैं, क्योंकि वो एक क्लोज्ड चैम्बर के अंदर में रहता है और एरिया भी लिमिटेड रहता है ड्राइंग डिहाइड्रेशन प्रोसेस के अंदर में. जो ड्राइंग है ये बहुत सस्ता है, लेस एक्सपेंसिव है, और जो हमारा ये डिहाइड्रेशन है इट्स मोर एक्सपेंसिव, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि ड्रायर डिहाइड्रेशन के लिए जो यूज करते हैं हम, जो इसके लिए हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, ये सब कॉस्टली प्रोडक्ट रहता है, कॉस्टली रहता है एज कंपेयर टू दी ड्राइंग. जो नेक्स्ट है फ्लो डायग्राम ऑफ ड्राइंग. जो ड्राइंग करने का हमारे जो फ्लो डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, वो कैसा है कि हम उसके, जैसे कि सबसे पहले हमने जो सिलेक्ट करना था फ्रूट्स को अपने सिलेक्ट करना है, जो फ्रूट वेजिटेबल जो भी आपने डिहाइड्रेशन ड्राइंग के लिए लेना है, उसके लिए हमने सबसे पहले उसके अंदर में ध्यान देना है कि फ्रूट जो सिलेक्ट करना है वो फ्री फ्रॉम माइक्रोबियल स्पॉयलेज, फ्री फ्रॉम इंसेक्ट डैमेज, उसके अंदर में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, इंसेक्ट डैमेज नहीं होनी चाहिए उसके अंदर में, माइक्रोबियल इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए. फिर उसके बाद में हमने उसको सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपरली, अच्छा फ्रूट सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, उसकी वॉशिंग करनी है. वॉशिंग करने के लिए मेन पर्पस ये होता है कि उसके ऊपर की जो डस्ट होती है फ्रूट्स एंड फ्रूट्स के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर, उनको रिमूव करने के लिए वॉशिंग प्रोसेस करते हैं. जो वॉशिंग होती है, वॉशिंग को करने के लिए हमें, हम वाटर से भी, वाटर का प्रयोग करते हैं और जो स्प्रे टाइप वॉशिंग उसको भी प्रयोग करते हैं, और वॉशर के द्वारा ये वॉशिंग जो है की जाती है. फिर उसके बाद में जो प्रोडक्ट को हमने, जो भी फ्रूट्स को, वेजिटेबल को हमने ड्राई करना है, उसको प्रिपेयर करना पड़ता है, जैसे कि किसी की पीलिंग करनी पड़ेगी, किसी को हमने स्लाइसिस में काटना पड़ेगा, ये सब चीजों का हमने ध्यान देना है, इसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है. देन उसके बाद में उसको प्री ट्रीटमेंट्स देने पड़ते हैं. प्री ट्रीटमेंट्स का मतलब ये होता है कि ड्राइंग करने से पहले उसको प्री ट्रीटमेंट, जो कि उसको जैसे कि डिसकलरेशन होने से बचाना,
या उसके अंदर में माइक्रोबियल ग्रोथ होने से बचाना, जैसे कि वेजिटेबल्स हमारी रहती हैं उसके अंदर में हम ब्लांचिंग करते हैं, ब्लांचिंग का जो हमारा ये प्री ट्रीटमेंट रहता है, ब्लांचिंग के अंदर में हम क्या करते हैं जो एंजाइम्स होते हैं उनको इनएक्टिवेट कर देते हैं। ऐसे ही उसके अंदर में आगे चल के आप हम इनके प्री ट्रीटमेंट्स के और पोस्ट ड्राइंग ट्रीटमेंट को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो देन फिर उसके बाद में प्री ट्रीटमेंट के बाद हम क्या करते हैं उन जो स्लाइसेस होती हैं, जो पीसेस होते हैं उनको हम क्या करते हैं ट्रे के ऊपर स्प्रेड करते हैं, जो भी हमारे ट्रेज होती है हमारे ड्रायर की उसके ऊपर हम स्प्रेड कर देते हैं। फिर उसके बाद में हमारा जो होती है हम ड्राइंग और डिहाइड्रेशन के लिए करते हैं। ड्राइंग अगर हमने का हम करते हैं ड्राइंग की जगह सूरज की रोशनी में हम सुखाते हैं तो उसको हम सनलाइट के अंदर में रखेंगे। डिहाइड्रेशन के लिए हम करते हैं तो 60 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर हम उसको रख देते हैं। और आगे चल के हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से फ्रूट्स को के लिए कितना टाइम हम यूज करते हैं डिहाइड्रेशन के लिए, कितने घंटे के लिए उसको रखते हैं। पोस्ट ड्राइंग डिहाइड्रेशन ट्रीटमेंट, देन उसके बाद में ड्राइंग के बाद उसको जैसे मॉइस्चर को इक्वलाइज करने के लिए हम उसकी स्वेटिंग वगैरह करने के लिए प्रोडक्ट को कुछ टाइम के लिए होल्ड कर देते हैं ताकि मॉइस्चर इक्वलाइज हो सके पूरे प्रोडक्ट के अंदर में, पूरे पीसेस के अंदर में। देन उसके बाद में हमारी जो पैकेजिंग रहती है, पैकेजिंग करने के बाद हम उस प्रोडक्ट को स्टोर कर देते हैं। ये हमारा जो है फ्लो डायग्राम है, फ्लो चार्ट है फॉर ड्राइंग ऑफ फ्रूट्स। फिर देन उसके बाद में हमारा रहता है प्री ट्रीटमेंट, जो हमने प्री ट्रीटमेंट्स कौन से देते हैं। ब्लांचिंग, ब्लांचिंग हम पार्शली प्री कुकिंग ट्रीटमेंट इन विच वेजिटेबल्स आर जनरली हीटेड इन ए बॉइलिंग वाटर। जो एक ब्लांचिंग जो है हमारा प्री कुकिंग ट्रीटमेंट रहता है जो कि हम ज्यादातर वेजिटेबल्स के लिए प्रयोग करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं वेजिटेबल्स को बॉइलिंग वाटर के अंदर में हम हीट करते हैं। देन उसके बाद में हमारा क्या रहता है उसको हम बॉइलिंग वाटर में हीट करने के बाद इमीडिएटली कूल कर देते हैं। तो इसका जो ब्लांचिंग क्या करते हैं, ब्लांचिंग के में हम ब्लांचिंग हेल्प्स टू इनएक्टिवेट दी नेचुरल एंजाइम्स को इनएक्टिवेट करने में हेल्प करता है, टू रिमूव हार्डनेस प्रोडक्ट की जो हमारा जो उसकी हार्डनेस को रिमूव करने में मदद करता है हार्ड, और टू रिड्यूस द बैक्टीरियल लोड, जो बैक्टीरिया का लोड होता है उसको भी कम करने में हेल्प करता है। जो ब्लांचिंग की जाती है वो ब्लांचिंग मोस्टली वेजिटेबल्स के केस में की जाती है, और सल्फरिंग जो हमारा ट्रीटमेंट रहता है ये हम करते हैं वेजिटेबल्स के फ्रूट्स के केस में, ये फ्रूट्स के केस में किया जाता है। होल पीसेस आर एक्सपोज्ड टू फ्यूम ऑफ बर्निंग सल्फर इन क्लोज चैम्बर नोन एज ए सल्फरिंग बॉक्स। जो सल्फर बॉक्स होता है हमारा उसके अंदर में हम क्या करते हैं जो हमारी सल्फर होती है सल्फर को हम चैम्बर के अंदर में रख देते हैं। सल्फर को जो सल्फर जलती है उससे जो फ्यूम्स पैदा होते हैं उन फ्यूम जो फ्यूम्स होते हैं वो ही उसको प्रोडक्ट को हमारा जो ये उसको ये प्रोडक्ट को प्रिजर्वेटिव एक्शन जो है वो उसके ऊपर करते हैं, वही उस प्रोडक्ट को हमारे प्रोडक्ट को प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन एंड डार्कनिंग से। और ये एक्ट करता है जो सल्फर के फ्यूम्स होते हैं वो एक्ट करते हैं प्रिजर्वेटिव एंटी माइक्रोबियल एजेंट और टू चेक द ग्रोथ ऑफ द मोल्ड। अगले जो प्री ट्रीटमेंट्स है हमारे जैसे कि हमने फ्रूट जूस के अंदर में भी डिप कर देते हैं और हनी में भी डिप करने के लिए कुछ उसके लिए यूज करते हैं और सिरप ब्लांचिंग भी हम कुछ केस में करते हैं। ये जो हमारी रहते हैं प्री ट्रीटमेंट्स। और पोस्ट हार्वेस्टिंग जो पोस्ट डिहाइड्रेशन ट्रीटमेंट्स रहते हैं जैसे कि स्वेटिंग, स्वेटिंग मैंने बोला था ड्राइंग के बाद हम जो उसको ट्रीटमेंट देते हैं स्वेटिंग के अंदर में हम क्या करते हैं इट इज द प्रोसेस टू होल्ड द डिहाइड्रेटेड फूड फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ द मॉइस्चर बिफोर पैकिंग। पैकेजिंग से पहले हम मॉइस्चर को उस फूड को होल्ड कर देते हैं डिहाइड्रेटेड फूड को ताकि उसका मॉइस्चर जो है उसको हम इक्वलाइज कर सके कि यूनिफॉर्म मॉइस्चर रहे उसका जो प्रोडक्ट रहेगा ड्राइड प्रोडक्ट। स्क्रीनिंग, द स्क्रीनिंग के अंदर में स्क्रीनिंग जो रहता है इसके अंदर में हमने मेनली अनवांटेड साइज ऑफ पीसेज ऑफ द प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड बाय पासिंग द ड्राई प्रोडक्ट थ्रू वेरियस स्क्रीन्स। जो हमारी छाननी एक तरह की सीप्स रहती है हम सीप्स के अंदर में से पास करते हैं जो अनवांटेड साइज का पीस का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम उसमें से रिमूव कर देते हैं। इंस्पेक्शंस, इंस्पेक्शंस के लिए ये रहता है कि कोई भी मान लो ड्राइंग के दौरान किसी कोई पीस जो हमारा है वो डिसकलर्ड हो गया, उसका प्रोडक्ट का जो कलर है वो बिल्कुल डार्क हो गया, हम उसको क्या करते हैं पैकेजिंग से पहले मैनुअली उसकी इंस्पेक्शन कर लेते हैं। मैनुअली ड्राइड प्रोडक्ट इज इंस्पेक्टेड टू रिमूव डिसकलर्ड पीसेस, दीज आर मूव्ड मैनुअली। ये प्रोसेस जो हमारा रहता है इसको हम मैनुअली करते हैं, इंस्पेक्शंस जो रहती है।
जो नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड्स है इसके अंदर में हमने जैसे कि बनाना फ्लोर बनाना है, बनाना का फ्लोर बनाने के लिए हमें क्या होता है, बनाना लिया, बनाना बनाना जो लेना है आपने ग्रीन मिच्योर और अनराइप, अनराइप बनाना लेना है उसकी हमने, उसके सरफेस को वॉश कर लेना है, वॉशिंग करने के बाद हमने उसकी स्टीमिंग करनी है, स्टीमिंग का जो रहेगा हम 10 से 15 मिनट तक उसकी स्टीमिंग करते हैं, स्टीमिंग के बाद हम उसके जो छिलका होता है रिमूविंग दी पील्स, हम उसके छिलके को उतार देते हैं, देन स्लाइसिंग की जाती है, उसकी जो स्लाइसिंग हमारी रहती है वो 3 mm थिकनेस का जो हमारी उसकी हमने स्लाइसिस में उसको काट लेना है, देन उसको हम जैसे कि हमारी मैंने आपको बताया था जो KMS जो हमारा जो रे रहता है, ये KMS जो रहता है हमारा पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट जो ये हमारा एक प्रिजर्वेटिव है जो केमिकल प्रिजर्वेटिव रहते हैं, फूड प्रोसेसिंग के अंदर में जो हम यूज करते हैं Class 1 और Class 2 प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, Class 1 प्रिजर्वेटिव वो होते हैं जो हमें नेचुरल जो हमारे सोर्सेज हैं वहां से मिलते हैं, जैसे कि शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, स्पाइसेस हो गए, ये हमारे क्या है, हमारे नेचुरल प्रिजर्वेटिव हैं, और जो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव हैं जो Class 2 प्रिजर्वेटिव भी बोला जाता है उनको, वो हमारे रहते हैं केमिकल प्रिजर्वेटिव, जैसे पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम बेंजोएट, ये सब जो हमारे ये रहते हैं ये हमारे जो Class 2 प्रिजर्वेटिव रहते हैं, इसीलिए हमने क्या करना है सोकिंग करनी है KMS के अंदर में, जो बनाना के स्लाइसेस हमने किए हैं 0.2% जो सोल्यूशन है KMS का उसके अंदर में डालना है 30 मिनट के लिए। ये क्या करता है, ये उसको ब्राउनिंग होने से बचाता है, डिस्कलरेशन होने से बचाता है, ठीक है, क्योंकि माइक्रोबियल जो इंस्पेक्शन जो रहती हैं उसके अंदर में उससे बचाता है, फिर देन उसके बाद में हम उसकी ड्राइंग करते हैं, जो ड्राइंग करते हैं उसका टेम्परेचर रहता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 6 to 8 hours। इसके लिए जो हम कैबिनेट ड्रायर का प्रयोग करते हैं, जो हमारा कैबिनेट टाइप का ड्रायर होता है उसी के अंदर में इसको ड्राइंग करने के लिए रखा जाता है, देन उसके बाद में कूलिंग, कूलिंग के बाद में मिलिंग की जाती है, मिलिंग में हम जो उसका जो ड्राइड बनाना के स्लाइसेस है उनको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू पाउडर फॉर्म, पाउडर फॉर्म में उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, देन उसके बाद में सीव्स होती हैं BS80 मैश, जो ये वाला जो हमारा ये स्टैंडर्ड की जो मैश होती है इसको हम लेके छाननी लेके इससे हम इसको छान लेते हैं, देन जो फ्लोर हमारे पास में मिल जाता है उस फ्लोर को हम क्या करते हैं फिर उसकी पैकेजिंग कर देते हैं, पैकेजिंग के बाद में देन उसको स्टोर कर दिया जाता है। ये था हमारा ड्राइंग का एक प्रोसेस था कि बनाना फ्लोर को हम कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है वो है ड्राइंग ऑफ बनाना, बनाना को ड्राइंग कैसे करते हैं, सिलेक्शन ऑफ फ्रूट, वॉशिंग, वॉशिंग हमने मैंने आपको जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है तो वॉशिंग करते हैं, वॉशिंग के बाद में पीलिंग करते हैं, पीलिंग के बाद में हमारी स्लाइसिंग होती है, स्लाइसिंग जो होती है इसकी 12 mm थिकनेस की थिक स्लाइसेस कर लेनी है, फिर उसके बाद में स्प्रेड ऑन ए ट्रे, ट्रे के ऊपर इसको बनाना के जो पीसेज हैं उनको हमने रखना है, देन उसके बाद में उसको क्या करना है सल्फर, सल्फरिंग बॉक्स के अंदर में रखना है, सल्फरिंग बॉक्स के अंदर में हमने सल्फर ट्रीटमेंट देना है। इसके लिए जो हमने सल्फर को हम यूज करते हैं ये 1.8 से लेके 3.6 kg पर टन, एक टन के लिए हम, एक टन फ्रूट्स के जो स्लाइसिस के लिए हम 1.8 से लेके 3.6 kg हम जो सल्फर को ले सकते हैं, वो सल्फर जो है उसको उस सल्फर को हम जलाएंगे तो उससे वो क्या होता है फ्यूम्स, जो इसकी पीलिंग जो रहती है, पीलिंग के अंदर में क्या रहता है कि पीलिंग इज द प्रोसेस इन विच वी आर रिमूविंग द आउटर पिल, पीलिंग के अंदर, पीलिंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर में हम बनाना का आउट जो छिलका रहता है उसको उतारते हैं, छिलके को पील बोला जाता है, पीलिंग इज द प्रोसेस इन विच वी आर जनरली रिमूविंग द आउटर लेयर, आउटर लेयर ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उसको पीलिंग बोला जाता है, देन उसके बाद में हम क्या करते हैं तब तक उसको ड्राई करना है जब तक उसके अंदर में जो लचक वो ना आ जाए, क्रिस्पीनेस दोनों उसके अंदर में, पायल और क्रिस्प दोनों इसके अंदर में ये नहीं आ जाते तब तक हम उसको ड्राई करते हैं, देन उसके बाद में पैकेजिंग करके, पैकिंग करने के बाद हम उसको स्टोरेज कर देते हैं, पैकिंग आपकी जो रहती है आपने उसके पैकिंग के बाद उसको स्टोर करना है, स्टोर कूल एंड ड्राई प्लेसेस पे आपने स्टोर करना है, देन उसके बाद में जो टेक्निक्स ड्राइंग टेक्निक्स विच आर जनरली यूज फॉर दी ड्राइंग, ड्राइंग के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज किए जाते हैं, बहुत तरह के जो ड्रायर्स हैं हम यूज करते हैं, जैसे कि सन ड्राइंग का हम यूज करते हैं, सन ड्राइंग ईजी है, सन ड्राइंग के लिए हम ओपनली जो स्पेस रहती है उसके अंदर में हम सन ड्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मेथड है ये ओल्डेस्ट मेथड है, ये बहुत ज्यादा जो हमारे कहने का मतलब ओल्डेस्ट मेथड है, ये बहुत पुराना है, समय से इसको हम क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं, इस मेथड को ये करते आ रहे हैं, देन उसके बाद में वैक्यूम ड्रायर,
वैक्यूम ड्रायर के द्वारा भी हम इसकी ड्राइंग कर सकते हैं, सोलर ड्रायर के द्वारा भी हम इसकी ड्राइंग कर सकते हैं, फ्रीज ड्रायर के द्वारा भी कर सकते हैं, ऑस्मेटिक डिहाइड्रेशन के द्वारा भी हम ड्राइंग कर सकते हैं, ओवन ड्रायर के द्वारा भी, ट्रे ड्रायर के द्वारा भी हम, टनल ड्रायर को हम प्रयोग करते हैं, जो रोलर और ड्रम ड्रायर भी हम यूज करते हैं, विंड ड्रायर भी हम यूज करते हैं, बेल्ट ड्रायर भी हम इसको यूज करते हैं। ये जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रायर्स हैं जिनका कि हम ड्राइंग पर्पस के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। यदि आप लोगों ने इसके लिए जो ड्राइंग के लिए आपने ये टेक्निक्स को अगर आपने ध्यान से डिटेल में पढ़ना है तो, क्योंकि इसको आप अगले उसके अंदर में मैंने रेफरेंस दे रखे हैं बुक्स के अंदर के जो लास्ट में इसके बुक्स के, उससे आप इसको अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ सकते हैं। आगे हम कुछ हम जो ड्राइंग टेक्निक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि सन ड्राइंग है, टू ड्राई इन द सन, सन के अंदर सूरज की रोशनी में सुखाना, हॉट ड्राई डेज आर द बेस्ट, उसके लिए सन ड्राइंग के लिए हॉट ड्राई जो हमारे जो हॉट ड्राई डेज होते हैं वो बेस्ट माने जाते हैं। ये मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 86 डिग्री फारेनहाइट अप्रोक्सीमेट 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो हम इसको यूज करते हैं इज नीडेड विद हायर टेम्परेचर ऑफ बीइंग बेटर, इसके लिए क्या रहता है जो हायर टेम्परेचर रहता है वो उसके लिए ड्राइंग के लिए बेटर। जितना ज्यादा हमारा एनवायरमेंट का टेम्परेचर रहेगा, जितना हमारा वेदर जो रहेगा वो उसका टेम्परेचर हाई रहेगा, उतना ही ये ड्राइंग के लिए बढ़िया रहेगा। इट्स टेक सेवरल डेज टू ड्राई फ्रूट्स, ये जो ड्राइंग सन ड्राइंग है ये बहुत सेवरल डेज, इसको काफी दिन तक हमें ड्राई करना पड़ता है इससे, जो इसीलिए काफी दिन ये वाली जो सन ड्राइंग है ले लेती है, बिकॉज ऑफ वेदर इज अनकंट्रोलेबल, क्योंकि हम जो हमारा वेदर होता है वो कंट्रोल्ड नहीं है, क्योंकि वेदर का कोई पता नहीं है, कभी बारिश होती है कभी कुछ कभी कुछ, इससे क्या होगा वो वेदर जो हमारे कंट्रोल्ड में नहीं है, अनकंट्रोल्ड है, जो हमारे डिहाइड्रेशन रहती है उसके अंदर में हमारा जो ये एनवायरनमेंट रहता है ये कंट्रोल्ड रहता है, इसका वेदर के ऊपर डिहाइड्रेशन के ऊपर वेदर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। सन ड्राइंग आर रिस्की, सन ड्राइंग जो है कैन रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि इसको इसका कारण ये भी रहता है कि जो ये रिस्की होने का कारण इसका ये है कि सन ड्राइंग कैन बी रिस्की आल्सो, हाई ह्यूमिडिटी इन द साउथ इज द प्रॉब्लम, जो हाई ह्यूमिडिटी वाला एरिया है जैसे साउथ वाला एरिया है वहां पे इसकी जो सन ड्राइंग के अंदर में ये रिस्की भी हो सकता है। ह्यूमिडिटी जो है ड्राइंग के लिए 60% से जो कम है, बिलो ह्यूमिडिटी 60% से कम ह्यूमिडिटी है वो सन ड्राइंग के लिए ज्यादा अच्छी है। ह्यूमिडिटी बिलो 60% इज बेस्ट फॉर सन ड्राइंग। जो नेक्स्ट उसके अंदर में हमारी आ जाती है ओवन ड्राइंग, हम ओवन ड्राइंग को जो हमारा हॉट एयर ओवन रहता है उसके अंदर में हम ड्राइंग की बात कर रहे हैं। कैसे ये जो एन ओवन इज ए आइडल फॉर ओकेजनल ड्राइंग ऑफ द फ्रूट लेदर, इसको हम फ्रूट लेदर के लिए हम ड्राइंग पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं, बट इट्स नॉट वी ए सेटिस्फैक्ट्री फॉर प्रिजर्विंग, ये बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है क्योंकि इससे हम लार्ज स्केल पे हम इसको जो है इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ओवन ड्राइंग इज स्लो देन द डिहाइड्रेटर, जो ओवन की ड्राइंग है वो डिहाइड्रेटेड है, डिहाइड्रेटेड की ड्राइंग के कंपैरिजन में स्लो रहती है, जो बिकॉज इट डज नॉट हैव अ बिल्ट इन फैन, कुछ जो हमारे ड्रायर्स ओवन ऐसे होते हैं उनके अंदर में फैन नहीं होता है एयर की मूवमेंट के लिए। हाउएवर सम कन्वेंशनल ओवन्स डू हैव ए फैन, कुछ कन्वेंशनल टाइप के जो ओवन्स होते हैं उनके अंदर में फैन रहता है, फैन अगर रहेगा तो फैन जो हॉट एयर रहेगी उसको सर्कुलेट करता है, उस सर्कुलेट होने की वजह से जो प्रोडक्ट है उसके अंदर में यूनिफॉर्मिटी आती है, उसकी डिहाइड्रेशन जो ड्राइंग है उसकी प्रॉपर होती है। इट्स टेक्स अबाउट 2 times longer टू ड्राई फूड इन एन ओवन, ये जो हमारा जो ये ओवन होता है ये क्या करता है, इट्स टेक्स अबाउट 2 times longer टू ड्राई फूड इन ओवन देन इट डज इन ए डिहाइड्रेटर, डिहाइड्रेटर से ये बहुत ज्यादा समय लेता है, 2 times अप्रोक्सीमेट जो 2 times ज्यादा टाइम ले लेता है। The oven is not a efficient as a dehydrated and used more energy. इसके लिए dehydrated जो oven के लिए क्या है, oven में ये ज़्यादा efficient भी नहीं है dehydrated के comparison में, क्योंकि इसमें energy की consumption जो रहती है वो ज़्यादा रहती है। Energy का मतलब जो हमारी electricity की जो energy रहती है उसकी consumption इसके अंदर में, electricity की consumption जो है ज्यादा रहती है। ब्लांचिंग नेक्स्ट जो हमारा है, ब्लांचिंग एंड ड्राइंग टाइम फॉर सिलेक्टेड फ्रूट्स, जो फ्रूट्स रहते हैं उसके लिए एप्पल के लिए हम जैसे कि हमने ब्लांचिंग का टाइम ब्लांचिंग हम करते हैं स्टीम ब्लांचिंग, उसके लिए जो टाइम रहेगा 3 to 5 minutes,
जो ब्लांचिंग सिरप के अंदर में करते हैं उसके अंदर में 10 मिनट रहेगा, जो ड्राइंग टाइम है इसके अंदर में हमारा हम उसको 6 से 12 घंटे के लिए रखते हैं। एप्रिकॉट के अंदर में जो हमारा रहता है सिरप स्टीम, जो सिरप के अंदर में जो हम इसके में स्टीम की जो ब्लांचिंग करते हैं उसके उसके लिए जो हमारा रहता है 3 से 5 मिनट के लिए रखते हैं, और सिरप के अंदर में 10 मिनट के लिए रखते हैं। 24 से 36 घंटे के लिए हम ड्राइंग इसका जो हमारा जो घंटे के लिए हम इसको ड्राइंग करने के लिए रखते हैं। बनाना जो हमारा रहता है इसके अंदर में हमारी जो स्टीम ब्लांचिंग जो है 3 से 4 मिनट के लिए करते हैं, और सिरप के अंदर में 10 मिनट के लिए, और 8 से 10 मिनट के लिए हम ड्राइंग इसका वो करते हैं। जो नेक्टरिंस ये एक तरह का जो फ्रूट्स जो रहता है ये पीच की तरह ही रहता है, ठीक है। स्टीम ब्लांचिंग इसकी हम करते हैं 8 मिनट तक करते हैं, और सिरप के अंदर में 10 मिनट तक, 36 से 48 घंटे के लिए इसके अंदर में हम इसको रखते हैं ओवन के अंदर जो हमारे ये ड्राइंग टाइम के लिए। पीच के लिए स्टीम का जो रहता है 8 मिनट और सिरप का जो रहता है 10 मिनट, और 36 से 48 घंटे के लिए हम इसको ड्राइंग करने के लिए रखते हैं। जो हमारे पियर्स रहता है इसको हम स्टीम ब्लांचिंग जो इसकी करते हैं 6 मिनट के लिए, और सिरप जो हम इसकी ब्लांचिंग करते हैं 10 मिनट के लिए, और 24 से 36 घंटे के लिए हमारा जो इसका रहता है ड्राइंग टाइम जो इसका रहता है। इसी तरह जो पाइन एप्पल है इसके अंदर में ये ब्लांचिंग नेसेसरी नहीं है, और ड्राइंग टाइम इसके अंदर में 24 से 36 घंटे रहेगा, और जो प्लम रहमरा रहेगा इसके अंदर में भी जो ये ब्लांचिंग हमारी नेसेसरी नहीं है, और इसके लिए हमारा जो ड्राइंग टाइम रहता है वो 24 से 36 घंटे का रहता है। जो हमारी नेक्स्ट उसके बाद में हमारा रहता है कि फूड ड्राइंग करने के बाद फूड में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ड्राइंग के बाद फूड में क्या क्या चेंजेस आते हैं। फूड मटेरियल डू नॉट हैव ए परफेक्ट इलास्टिसिटी, उस फूड मटेरियल के अंदर में इलास्टिसिटी नहीं रहती, और वाटर इज नॉट रिमूव्ड इवनली थ्रू आउट फूड, जो वाटर है वो कम्प्लीटली रिमूव नहीं रहता, निकलता रिमूव होता थ्रू आउट द फूड, इट एज इट इज ड्राइड causes shrinkage, उससे क्या हो जाता है श्रिंकेज की प्रॉब्लम आ जाती है। ड्यू टू ए हाई सर्फेस टेम्परेचर एंड अनबैलेंस्ड ड्राइंग, जो हमारा जो हाई सर्फेस टेम्परेचर रहता है प्रोडक्ट के ऊपर और अनबैलेंस्ड ड्राइंग रहती है, इससे क्या रहता है कि ड्राई स्किन विल फॉर्म एंड काज हार्डनिंग, वो जो स्किन वो रहती है स्किन ड्राई होने के स्किन जो होती है ड्राई होने के बाद वो क्या होता है हार्ड हो जाती है, और ब्राउनिंग एंजाइमेटिक ब्राउनिंग ऑफ द प्रोडक्ट ड्यू टू पुअर ब्लांचिंग, यदि हम ब्लांचिंग अच्छी तरह से नहीं करते तो हमारे प्रोडक्ट के अंदर में एंजाइमेटिक ब्राउनिंग हो सकती है। देन उसके बाद में जो लॉस ऑफ वोलेटाइल फ्लेवर्स जो रहते हैं, जो हमारा लॉस है वोलेटाइल फ्लेवर का, उस वोलेटाइल फ्लेवर्स जो होते हैं कुछ फ्लेवर्स ऐसे होते हैं जो हम हीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है उनका लॉस हो जाता है, तो वो भी हमारे सारे के सारे फ्लेवर्स कॉन्सिक्वेंस जो होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। पार्शली सम लॉस ऑफ सम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन सी, जो विटामिन सी है वो भी ड्राइंग के दौरान कुछ हद तक पार्शली लॉस हो जाता है। देन हमारे जो ये ड्राइड वेजिटेबल जो ड्राइड फ्रूट्स रहते हैं वो ड्राइंग होने के बाद में दिखाई कैसे देते हैं, ये ऐसे जैसे ड्राइड प्लम, ड्राइड पियर, ड्राइड बनाना, ड्राइड एप्रिकॉट, ड्राइड हमारा एप्पल, ड्राइड पपाया, ड्राइड ग्रेप्स, ड्राइड पीच, ड्राइड फिक्स, ये जो हमारे रहते हैं ये हमारे ड्राइड फ्रूट्स हैं, ये दिखने में जब ड्राइंग होने के बाद में ये दिखाई में दिखने में ऐसे दिखते हैं। उसके बाद में ये हमारा जो था हमने डिस्कस किया था, इसके लिए हमने ड्राइंग के ऊपर डिस्कस किया था, जैसे कि ड्राइंग के लिए जो हम ड्राइंग के अंदर में जो हमने प्रिंसिपल हमारा था, क्योंकि मेनली जो हमारे फूड्स होते हैं उनके लिए उनको खराब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ही हमारे फूड को खराब करते हैं मेनली। उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर किसमें करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए वाटर, जिस फूड के अंदर में जितना ज्यादा मॉइस्चर रहेगा वो उतनी जल्दी खराब होगा। ड्राइंग के अंदर में हमने क्या किया, फूड को प्रिजर्व किया विद द रिमूवल ऑफ द मॉइस्चर, हमने उस फूड में से मॉइस्चर को रिमूव करके ड्राई कर दिया, ड्राई करते हैं तो उसमें से हम मॉइस्चर को रिमूव करते हैं, तो उससे उस प्रिंसिपल से हमने उसको प्रिजर्व कर दिया। देन फ्रीजिंग, फ्रीजिंग क्या है, फ्रीजिंग के अंदर में हमने प्रिंसिपल ऑफ लो टेम्परेचर, हम इसके अंदर में जो प्रिंसिपल होते हैं जैसे कि फूड प्रिजर्वेशन के अंदर में काफी प्रिंसिपल्स जो हमारे इसके अंदर में रहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ हाई टेम्परेचर, प्रिंसिपल ऑफ लो टेम्परेचर, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ लो टेम्परेचर, प्रिंसिपल ऑफ लो टेम्परेचर के अंदर में जैसे फ्रीजिंग और रेफ्रिजरेशन, हमारे दो हमारे मेन जो है
मेथड हैं जो कि हम प्रयोग में लेके आते हैं। जो फ्रीजिंग के अंदर में हमने और रेफ्रिजरेशन के अंदर में हमने प्रिंसिपल कौन सा प्रयोग करते हैं, लो टेम्परेचर का प्रिजर्वेशन, जो हम जो प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन हम यूज करते हैं, जो सिद्धांत हमारा रहता है वो लो टेम्परेचर का रहता है कि लो टेम्परेचर के द्वारा हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनएक्टिवेट करते हैं, उनको हम क्रियाहीन कर देते हैं, कहने का मतलब इनएक्टिवेट कर देते हैं। इसकी इसी के बाद में जैसे कि फ्रीजिंग इज द मेथड ऑफ द प्रिजर्वेशन, फ्रीजिंग प्रिजर्वेशन का मेथड है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड, ये ओल्डेस्ट बहुत ओल्डेस्ट मेथड है विच अलाउ प्रिजर्वेशन ऑफ द टेस्ट टेक्सचर एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू इन द फूड बेटर देन एनी अदर मेथड। जो दूसरे सारे मेथड्स हैं प्रिजर्वेशन से उनके कंपैरिजन में जो ये वाला जो प्रोडक्ट रहता है फ्रोजन प्रोडक्ट, उसका टेस्ट टेक्सचर एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू बेटर रहती है। जो फ्रीजिंग फ्रीजिंग प्रोसेस क्या है, फ्रीजिंग प्रोसेस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द beneficial effects of low temperature at which chemical reactions are reduced. हम फ्रीजिंग के अंदर में लो टेम्परेचर के द्वारा जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको रिड्यूस कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो, लो टेम्परेचर की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं कर पाते, एंड सेलुलर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं सारी डिलेड हो जाती है। जो नेक्स्ट हमारा है द रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ द फूड, रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ फूड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द फैक्टर। जो फ्रीजिंग फूड की हम फ्रीजिंग करते हैं, जो फ्रीजिंग की रेट है वो क्या है, रेट ऑफ फ्रीजिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द फैक्टर्स, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि मेथड एम्प्लाइड, हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं फ्रीजिंग का, फ्रीजिंग के अंदर में भी फ्रीजर्स का हम प्रयोग करते हैं, किस तरह का हम फ्रीजर यूज कर रहे हैं, ये कौन सा मेथड हम प्रयोग में लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे ये क्या होता है हमारा फ्रीजिंग, ये रेट ऑफ फ्रीजिंग जो है इन फैक्टर्स के ऊपर में डिपेंड करती है। दूसरा जो हमारा टेम्परेचर ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ द एयर, जो सर्कुलेशन टेम्परेचर है सर्कुलेशन ऑफ एयर का, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उस सर्कुलेशन एयर का सर्कुलेशन कैसा है, उसका टेम्परेचर सर्कुलेशन, जो एयर सर्कुलेट कर रही है फ्रीजर के अंदर में उसका टेम्परेचर क्या है, रेफ्रिजरेंट उसके ऊपर भी, रेफ्रिजरेंट जो हम यूज करते हैं कूलिंग के लिए, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अमोनिया हो गया हमारा, ये सारे रेफ्रिजरेंट्स होते हैं जो कि हमारे जो अमोनिया कंप्रेसर्स जो यूज करते हैं फ्रोजन फूड इंडस्ट्रीज के अंदर में उसको हम यूज करते हैं। तो देन उसके बाद में साइज एंड शेप ऑफ पैकेज, जो कुछ पैक फ्रीजिंग हम कुछ प्रोडक्ट की, तो जैसे कि प्रोडक्ट को पहले फ्रीज किया जाता है देन उसको पैक किया जाता है, बट कुछ केसेस में क्या होता है कि पहले प्रोडक्ट को पैक किया जाता है, फॉर एग्जांपल मीट इंडस्ट्रीज के अंदर में पहले उसको पैक किया जाता है देन उसके बाद में उसको फ्रीज किया जाता है। इसके बाद में दूसरा ये है, एक डिपेंड करता है काइंड ऑफ फूड्स, ये काइंड ऑफ फूड के ऊपर भी ये डिपेंड करती है रेट ऑफ फ्रीजिंग। देन फ्रीजिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज डन एट -18 डिग्री सेंटीग्रेड, जो -18 डिग्री पे हम जो है हमारी फ्रीजिंग हमारी करती है। द टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन इज डिपेंड्स ऑन द काइंड्स ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो टाइम टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन होता है ये डिपेंड करता है काइंड ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का जो टाइम, कितने टाइम के लिए हम उसको फ्रीजर के अंदर में रखते हैं, कौन से तापमान के इतनी माइनस टेम्परेचर पे, ये जो कॉम्बिनेशन होता है डिपेंड करता है काइंड ऑफ द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल की, किस तरह की कौन सी टाइप का फल और जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए। एट -18 फ्रूट्स आर यूजुअली रिटेन गुड क्वालिटी फॉर 12 मंथ, अगर हम -18 डिग्री पे हम फ्रीजर का मेंटेन करके रखते हैं, फ्रोजन चैम्बर का जो हम टेम्परेचर है -18 से अबव नहीं होने देते, अबव का मतलब -16 -14 ये उल्टी उसके लिए, अगर हम जो अगर हमारा टेम्परेचर -18 से -29 तक रहता है या -26 तक रहता है तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो 12 मंथ तक खराब नहीं होता, इसकी शेल्फ लाइफ जो होती है वो फॉर 12 मंथ रहती है। जो वेजिटेबल्स रहती है हमारी, ये वेजिटेबल्स की जो शेल्फ लाइफ रहती है वो 8 से 10 मंथ रहती है, जो यदि हम उसको -18 डिग्री पे हम उसको स्टोर करके रखते हैं। इंक्रीजिंग द स्टोरेज टेम्परेचर, यदि हम स्टोर हमने फ्रोजन प्रोडक्ट को जब हम स्टोर करते हैं, स्टोर करते टाइम हमने टेम्परेचर का ध्यान नहीं दिया, यदि वो टेम्परेचर जो इंक्रीज कर जाता है तो हमारा जो रिजल्ट उसका क्या आता है, जो हमारा फ्रोजन प्रोडक्ट है उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसीलिए यदि हमारा जो
इंक्रीजिंग द स्टोरेज टेम्परेचर देन रिजल्ट इज डिक्रीजिंग शेल्फ लाइफ, जो हमारी शेल्फ लाइफ है वो डिक्रीज होगी। उसके बाद में जो हमने ये डिस्कस करना है कि फ्लो शीट ऑफ फ्रोजन फ्रूट्स, फ्लो शीट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर फ्रीजिंग, जब हम फ्रीजिंग करते हैं, फ्रीजिंग करते टाइम हमारी जो कैसे क्या क्या प्रोसेस हम उसके लिए हम करते हैं, जैसे कि हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को लेना है, फ्रूट्स हमने उसको सिलेक्ट किया, सबसे पहले सिलेक्ट करने का हमारा जो हमारे जो रॉ मटेरियल जो हम परचेज करते हैं कोई भी, उसको सिलेक्ट करना होता है, जो क्वालिटी कंट्रोल की टीम्स रहती हैं वो सिलेक्ट करती हैं, उनका सिलेक्ट करने का क्या रहता है कि वो उनके पैरामीटर्स डिसाइड होते हैं स्पेसिफिकेशंस, वो स्पेसिफिकेशंस के अंदर में जैसे माइक्रोबियल स्पॉइलेज नहीं होनी चाहिए, इंसेक्ट डैमेज नहीं होनी चाहिए उसके अंदर में वैसे मच्योर नहीं ज़्यादा, उसके अंदर में फुली राइप नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ों का हमने ध्यान देना है। और अच्छा जो हमने फल और जो हमारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उसको सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद में उसकी हमने वॉशिंग करते हैं। जो वॉशिंग का जो प्रोसेस रहता है, वॉशिंग के लिए वॉशर का प्रयोग किया जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर में, फ्रोजन जो हमारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंडस्ट्रीज रहती हैं उसके अंदर में वॉशर का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे वॉशर्स रहते हैं इनके लिए क्या रहता है, वॉशर्स के में क्या होता है, हाई नोजल्स लगी हुई होती हैं, नोजल्स से हम क्या करते हैं, हमारे जो हमारा फ्रूट्स रहता है या वेजिटेबल्स जिसको हमने वॉश करना है उसके ऊपर हाई प्रेशर से हम उसके ऊपर स्प्रे करते हैं, और ड्रम जो होता है वो रोटेट करता है, परफोरेटेड ड्रम होता है, उसके अंदर में सुराख होते हैं, वो घूमता है, जैसे जैसे वो घूमता है वो प्रोडक्ट भी उसके साथ में टच करता है एक दूसरे के साथ में, प्रोडक्ट इससे सरफेस की क्लीनिंग भी होती है उसकी। फिर उसके बाद में वॉशिंग, फिर उसके बाद में जो हमारी जो वॉशिंग है, वॉशिंग डन विद द हेल्प ऑफ द वाटर, वॉशिंग जो हम करते हैं वॉशिंग के लिए हमारा क्या रहता है, वॉशिंग करने के लिए हम वाटर का प्रयोग करते हैं। देन उसके बाद में ट्रिमिंग, ट्रिमिंग जो एक प्रोसेस रहता है जिसके अंदर में हम अनवांटेड जो पार्ट होता है उसको रिमूव करते हैं। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग के अंदर में हमारी क्या रहती है, मैनुअली सॉर्टिंग हम करते हैं, इसके लिए फॉर टू रिमूव फॉरेन मैटर, फॉरेन मैटर को रिमूव करने के लिए जो हम सॉर्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि सॉर्टिंग करनी इसलिए जरूरी होती है क्योंकि यदि हमारा जो हमने कटिंग करनी होती है, कटिंग के लिए हम डाइसर का प्रयोग करते हैं, डाइसर जो हमारा जो स्लाइसर होता है, यदि हम स्लाइसर के अंदर में जो हमारे फॉरेन मैटर है जैसे कोई कुछ भी हो गया, ये आयरन का कोई भी पार्ट हो गया, जहाँ कोई उसके फॉरेन कोई कुछ भी जैसे कि कोई मिट्टी वगैरह का कोई वो रह गया या कोई स्टोन वगैरह रह गया, वो उसके अंदर में जाएगा तो वो डाइसर के ब्लेड को अफेक्ट करता है, जो फिर उसके बाद में कटिंग के बाद में फिर उसके बाद में उसकी ब्लांचिंग की जाती है। ब्लांचिंग इस ब्लांचिंग जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस कर दिया है, आगे फिर डिस्कस करेंगे एक बार। देन फ्रीजिंग, फ्रीजिंग के लिए जो हमारे जो है फ्रोजन, जो हमारे फ्रीजिंग के लिए IQF जो है इंडिविजुअल क्यूब फ्रीजर का प्रयोग किया जाता है, जो कि जिसके अंदर दो बेल्ट्स रहती है उसके अंदर में, बेल्ट्स के अंदर उसमें जो एयर के द्वारा जो है उसकी ड्राइंग जो है ये फ्रीजिंग जो है फ्रीज जो की जाती है, फ्रीजिंग की जाती है। देन उसके बाद में पैकिंग, पैकिंग के बाद में उसको उस प्रोडक्ट को स्टोर कर दिया जाता है फ्रोजन चैम्बर के अंदर में। मेथड ऑफ फ्रीजिंग, मेथड ऑफ फ्रीजिंग के अंदर में हमारा जो हमने पहले प्रीवियसली डिस्कस किया है, सिलेक्शन ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सिलेक्ट मैच्योर वेजिटेबल्स एंड राइप फ्रूट्स, हमने जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि हमने किस तरह के फल और सब्जियों को सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट मैच्योर वेजिटेबल्स, राइप फ्रूट्स, अवॉइड डिफेक्ट्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो हमने डिफेक्ट्स हैं उनको जो जिस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर में डिफेक्ट होता है उसको अवॉइड करना है। ग्रेडिंग, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू द साइज, कलर, कलर के अकॉर्डिंग या साइज के अकॉर्डिंग हमने उसकी ग्रेडिंग कर लेनी है। देन उसके बाद में स्टेज ऑफ राइपनेस बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ग्रेडर, द राइपनेस की स्टेज के ऊपर भी हम उसके अकॉर्डिंग भी हम उसकी ग्रेडिंग कर सकते हैं। इसके लिए जो हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेडर्स का प्रयोग किया जाता है, ग्रेडर ही ग्रेडर को ही हम यूज करते हैं ग्रेडिंग के लिए। वॉशिंग, देन वॉशिंग, पीलिंग, ट्रिमिंग, डिकोरिंग, वॉशिंग जो प्रोसेस होता है जैसे कि हमने वॉश करना है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, पीलिंग के अंदर में हम क्या करते हैं उसकी आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, आउटर सरफेस जो होता है, आउटर लेयर होती है उसको रिमूव करने के लिए पीलिंग का प्रयोग, पीलिंग में भी काफी सारे मेथड्स हम प्रयोग करते हैं, जैसे नाइफ के मैनुअल पीलिंग कर देते हैं, मैकेनिकल पीलिंग्स होती है, स्टीम पीलिंग आती है, हमारी काफी पीलिंग्स के भी काफी वो हैं,
जो है, उसके बाद में हमारा ट्रिमिंग है। ट्रिमिंग के में जो अनवांटेड पार्ट होता है, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल कैरेट को हमने उसकी वो करनी है, उसके टेल्स को और हेड को हम रिमूव करने के लिए ट्रिमिंग का यूज करते हैं। देन डिकोरिंग, डिकोरिंग का जो मेन मकसद होता है जो हार्ड पोर्शन होता है, सीड्स वाला पार्ट होता है सेंटर में फ्रूट्स को, उसको रिमूव करने को हम डिकोरिंग बोला जाता है। इसके बाद में उस फ्रूट री ऑब्जर्वेशन, जो उस फ्रूट्स को अच्छी तरह से देखा जाता है कि उसके अंदर में कोई इम्प्रॉपर जो स्पीलिंग वगैरह सही है उसकी, या उसके अंदर में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, रूडेंट्स वगैरह तो कोई वो उसके अंदर में डिफेक्ट तो नहीं है ये। देन उसके बाद में उसको नॉट फुली मच्योर शुड बी रिड्यूस अगेन। फिर उसके बाद में हम उसकी ब्लांचिंग करते हैं। ब्लांचिंग की ब्लांचिंग इज ए प्रोसेस इज अप्लाई ओनली वेजिटेबल्स आर कीपिंग इन ए बॉइलिंग वाटर फॉर 2 to 5 minutes एंड इमीडिएटली कीप इन कोल्ड वाटर। जैसे हमने ब्लांचिंग का डिस्कस किया था कि बॉइलिंग वाटर के अंदर में हम 2 to 5 minutes के लिए रखते हैं, ठीक है, जो नाइन इसका जो टेम्परेचर रहता है 82 to 93 degrees centigrade तक रहता है, और उसके ब्लांचिंग प्रोसेस के अंदर में हम बॉइलिंग करने के बाद प्रोडक्ट को, जैसे कि ब्लांचर के अंदर में 82 to 93 temperature तक हम उसको 2 to 5 minutes तक उसके अंदर में रखते हैं। देन उसके बाद में हम क्या करते हैं, कीप कोल्ड वाटर, इमीडिएटली उसको कूल्ड वाटर के द्वारा उसको कूल किया जाता है। देन जो इसका जो रहता है, जो ब्लांचिंग रहती है, वो गैसेस आर रिमूव्ड फ्रॉम टिश्यूज, इनएक्टिवेट अनडिजायरेबल एंजाइम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टेबल कलर एंड फ्लेवर। जो ब्लांचिंग होती है, जो प्रोडक्ट का कलर होता है उसको स्टेबल कलर और फ्लेवर को भी स्टेबल करती है। इट इज डिफाइंड, जो ब्लांचिंग है इसकी हमने जो डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें तो ब्लांचिंग इज डिफाइंड एज ए स्केल्डिंग, पार्बोइलिंग और प्री कुकिंग। प्री कुकिंग ब्लांचिंग इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ वेजिटेबल्स एंड सम ऑफ द फूड्स हैविंग स्पॉयलेज ड्यू टू एंजाइम एक्टिविटी। Enzyme responsible for the spoilage are peroxidase and catalase. In cases of vegetables, the enzymes involved is peroxidase, which is required to be inactivated during blanching to have better shelf life of the product. The blanching is done in case of vegetables and some fruits by exposing them into boiling water or steam for 2 to 5 minutes at 80 to 90 degrees centigrade, then immediately cooled by immersion in cold water at 5 degrees centigrade. ये जो ये हमारी जो ब्लांचिंग के अंदर में ये था कि ब्लांचिंग में मेनली यही है कि हम 82 से लेकर 93 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसको 2 to 5 minutes तक हम इसकी बॉइलिंग करते हैं। देन उसके बाद में कोल्ड वाटर से उसको इमीडिएटली कोल्ड कर देते हैं। ब्लांचिंग का मेन मकसद यही रहता है कि परोक्सीडेज नाम के जो एंजाइम्स होते हैं उनको हमने इनएक्टिवेट करना है। यदि वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे तो हमारे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ जो है, हम उस प्रोडक्ट उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है, हेल्प करता है प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए। देन इसके बाद में जो ये जो हमने ये वाला जो आज का लेक्चर लिया है, इसके लिए जो हमने जो रेफरेंस जो बुक्स हैं, ये आप अगर किसी ने कहने का मतलब इसको डिटेल में स्टडी करना है, फॉर एग्जाम्पल ड्रायर्स जो थे, तो ये इन बुक्स का जो रेफरेंस था इनको हम यूज कर सकते हैं। ये आज का हमारा जो इसका लेक्चर था ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन के ऊपर।